न्यूस्पोरिन एच ऑइंटमेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है तीन एंटीबायोटिक्स का, पॉलीमिक्सिन वी, नियोमाइसिन और साथ में ही बेसिटेरिसिन, और इसके बीच में एक स्टीरॉयड वी प्रेजेंट होता है जिसका कि नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये जो स्टीरॉयड है जो ब्लॉक कर देता है जो भी केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा सिक्रीशन होती है, जिससे कि आप लोगों की स्किन रेड हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, जो फिर ईचिंगनेस होती है, तो उन केमिकल मैसेंजर से जो भी सिक्रीशन होती है तो उस सिक्रीशन को जो स्टीरॉयड जो है ब्लॉक कर देता है। तो ये मेडिसिन जो है जे टुगेदर जो है इसके बीच में तीन एंटीबायोटिक्स हैं, तो तीनों एंटीबायोटिक्स अलग अलग मैकेनिज्म से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ आप लोगों की स्किन के ऊपर होती है उसको, और आप लोगों की स्किन को बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली जो है ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जी मेडिसिन जो है इसको आप लोगों को एक्सटर्नली ही यूज़ करना है, और जितने ड्यूरेशन के लिए आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला हुआ है तो उतने ड्यूरेशन के लिए ही आप लोगों को इसको यूज़ करना है। तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप लोगों को किसी भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन और एडवाइस ले लेनी है और उसके बाद ही जो है किसी भी मेडिसिन को आप लोगों को यूज़ करना है। तो जो भी एप्लीकेशन साइट होगी, जिस एप्लीकेशन साइट्स के ऊपर जहाँ भी आप लोग जो है इस मेडिसिन को जो है लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं देखे जा सकते हैं, जैसे कि बर्निंग होना, इरिटेशन होना, ईचिंग होना, रेडनेस होना, ये जो मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं तो ये डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। इसके लिए कोई भी मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को जो है लंबे समय तक जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं तो आप लोगों को इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। न्यूस्पोरिन एच ऑइंटमेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, और जो भी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होती है तो उसको ट्रीट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जे जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है जो कि इन्फेक्शन को फैलाती हैं तो उसको जो है स्टॉप कर देती है। अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो कि इस मेडिसिन के विष में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हैं पॉलीमिक्सिन वी 5000 यूनिट्स, नियोमिक्सिन 3400 यूनिट्स, बेसिटेरिसिन 400 यूनिट्स और स्टीरॉयड हाइड्रोकॉर्टिसोन 10 mg जो है प्रेजेंट होता है। आप लोगों को जो डायरेक्टली इसको अपनी आईज़ के अंदर या फिर नोज़ में या फिर माउथ में जो है नहीं डालना है और ना ही लगाना है। अगर एक्सीडेंटली कभी भी आप लोगों की आईज़, नोज़, माउथ में चला जाए तो आप लोगों को वाटर की मदद से जो है इसको क्लीन अप कर देना है। न्यूस्पोरिन एच ऑइंटमेंट जो है जो इन्फेक्शन को फैलने से जो है रोकता है, जो भी इन्फेक्शन कॉज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, अगर कहीं भी माइनर कट्स लग जाता है किसी को, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप्स के ऊपर अगर कहीं पे स्किन जल जाती है तो वहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है स्टॉप कर देती है जो भी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की उसको, और आप लोगों की इन्फेक्शन को जो है बिल्कुल ही जो है क्लीन कर देती है। तो आप लोगों की जो भी स्किन होगी जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे अगर पेन होती है तो उससे भी आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेगी, और स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग से भी आप लोगों को जो है राहत प्रोवाइड करवाएगी ये मेडिसिन, और इन्फेक्शन को जल्दी से जो है रिकवर होने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप लोग जो है 5 to 6 days में जो है इसके रिजल्ट्स जो हैं देख सकते हैं, आप लोगों को जो है इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो ये 5 gram की पैकेजिंग जो है जी आप लोगों को 65 rupees में कहीं से भी मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसको चेक करके ही खरीदें। न्यूस्पोरिन एच एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट जो है इसके बीच में हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टीरॉयड प्रेजेंट होता है, जो कि आप लोगों की बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को जो है ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में ही आप लोग जो है इसका ऑप्थेल्मिक यूज़ भी कर सकते हैं, आँखों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंजक्टिवाइटिस जो है होती है किसी को तो उन कंडीशन में भी आप लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर एप्लीकेशन साइट्स के ऊपर जो है इसको यूज़ आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आप लोगों को 2 times जो है पर डे इसको जो है लगाना है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुई है वहाँ पे आप लोगों को जो है अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर विद इन 7 days के अंदर अंदर जो है आप लोगों की स्किन के ऊपर कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो तब, और इसको यूज़ करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से जो है वॉश कर देना है। आप लोगों को इसको एप्लीकेशन साइट्स के ऊपर जो है स्मॉल अमाउंट में लगाना है और अच्छे से जो है स्प्रेड कर देना है उस पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर।